नमस्ते, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। इंडिया में बहुत सारी जगहों पे होली के दिन गुजिया खाए जाते हैं, तो आज हम होली स्पेशल गुजिया बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें आटा गूंदना है। यहाँ पे मैंने एक कप जितना मैदा लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून जितना घी, साथ ही साथ 1/2 टीस्पून जितना इलायची पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट। इन सारी चीजों को हम अपने हाथों से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें आटा गूंदना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी लिया है। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहेंगे और आटा गूंद लेंगे। गुजिया का जो आटा है वो हमें थोड़ा हार्ड रखना है। देखिए, तो हमारा जो आटा है वो रेडी है, उसे रेस्ट करने के लिए हम साइड पे रख लेंगे। और अब हम गुजिया की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में 1 टेबलस्पून जितना घी लिया है। घी मेल्ट होते ही हम इसके अंदर 1/4 कप जितना सेमोलिना यानी कि रवा या फिर सूजी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। सूजी को हमें मीडियम आंच पे कंटिन्यूसली चलाते हुए रोस्ट करना है, ताकि वो जल ना जाए। अब देख सकते हैं हमारी जो सूजी है वो रोस्ट हो चुकी है, उसे हम साइड पे निकाल लेंगे। और वापस से मैंने यहाँ पे एक पैन में 1 टेबलस्पून जितना घी गरम कर लिया है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितने कटे हुए काजू ऐड कर दिए हैं और साथ ही साथ 2 टेबलस्पून जितने किशमिश। इन दोनों को हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 कप जितना श्रेडेड कोकोनट, इसे भी हमें फ्यू सेकेंड्स के लिए रोस्ट करना है। देखिए, इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप जितना खोया यानी कि मावा, जिसे मैंने ग्रेट करके ऐड किया है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखनी है। अब इसके अंदर हम हमारा रोस्ट किया हुआ रवा ऐड कर देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून जितना इलायची पाउडर, साथ ही साथ ऐड कर लेंगे 1/4 कप जितनी पीसी हुई चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा स्वीट पसंद है तो आप चीनी का मेजरमेंट ज्यादा ले सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारा स्टफिंग रेडी है। अब हम गुजिया के लिए पूरी बेल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है वो रेस्ट हो चुका है। देखिए, अब मैं इसे इस तरीके से रोल करके इसमें से छोटे छोटे बॉल्स बना लूंगी। देखिए, इस तरीके से हमें एक ही साइज के बॉल्स बनाने। अब हमें अपने हाथों से इस तरीके से प्रेस करके इसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अब इसमें से हम पूरी बेल लेंगे। तो हम जो पूरी बेलेंगे वो हमें पतली रखनी है, हमें बहुत मोटी नहीं रखनी है। देखिए, ये पूरी इस तरीके से होनी चाहिए। तो हमारी जो सारी पूरियां है वो रेडी है। अब हम इसमें स्टफिंग भर लेते हैं और गुजिया बना लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर इस तरीके से स्टफिंग ऐड कर लूंगी और अब हम अपने हाथों से थोड़ा सा स्टफिंग इस तरीके से प्रेस कर लेंगे, ताकि जो गुजिया है उसे फोल्ड करने में आसानी रहे। अब हम इसकी जो साइड से इसे इस तरीके से इकट्ठा करेंगे और इसे प्रेस कर लेंगे। तो हमें सारी साइड्स को इस तरीके से प्रेस कर लेना है। देखिए, अपने हाथों से हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये प्रेस करने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे और प्रेस करते रहेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें एंड तक इसे
प्रेस करते हुए फोल्ड करते जाना है, तो एक पैटर्न बन जाएगी। देख, अगर आपके पास गुजिया बनाने की मशीन है तो आप उसमें भी गुजिया बना सकते हैं। देख, हमारा जो गुजिया है वो रेडी है। आपको एक और दिखाते हैं। देखिए, इस तरीके से पूरी के अंदर स्टफिंग भर देंगे और सारी साइड्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। इस तरीके से साइड्स को इकट्ठा करके प्रेस कर लेना है। इसे प्रेस करके फिर हमें फोल्ड करना है। अगर ये बार बार खुल जाता है तो आप चाहे तो आप साइड्स पे थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे। इस तरीके से हम सारी गुजिया बना लेंगे। देखिए, तो इस तरीके से हमने जो सारी गुजिया है वो बना लिए। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को ऑलरेडी मीडियम फ्लेम पे गरम करने रख दिया है। हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम गुजिया उसमें ऐड कर देंगे। गुजिया को हमें स्लो या फिर मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। हमें गुजिया को ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं हमारी जो गुजिया है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो हमारे होली स्पेशल गुजिया रेडी है। उसका जो बाहर का लेयर है बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से कोकोनट और सूजी का जो स्टफिंग है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।